Assalamu alaikum, dear students. I do hope that you people would be fine and enjoying a good health. आज मैं इस वीडियो में आपको Microsoft Teams पर ऑनलाइन क्लासेस लेने का तरीकाकार, उसको लॉग इन करने का तरीकाकार और उसको जनरली ऑपरेट करने का तरीकाकार समझाऊंगा। तो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना कोई भी ब्राउज़र, वो आप गूगल, ओपरा, एज कोई भी यूज़ करते हैं, आपने उसको ओपन करना है और देन आपने जो सर्च बार है उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लिख देना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, और एंटर कर देना है। आपको जो ये जो microsoft.com पे लॉग इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वाला ऑप्शन शो होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अभी आप लोगों को दो टैब्स शो हो रहे हैं, साइन इन, डाउनलोड नाउ। अगर आप डाउनलोड कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऐप को फॉर विंडोज, ये आपके चूंकि डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए है, तो आप जो है वो इस ऐप को यूज कर पाएंगे इंस्टॉल करने के बाद। आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर से भी साइन इन कर सकते हैं। तो मैं दोनों ऑप्शन आपके लिए करने जा रहा हूँ। पहले तो आप डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप आपने क्लिक करना है, तो ये आपका डेस्कटॉप टीम के लिए वो डाउनलोड हो जाएगा, ये आपका अब डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यू कैन सी ये आपका डाउनलोड हो रहा है। दूसरा तरीकाकार आप ये यूज़ कर सकते हैं कि आप अगर वेबसाइट से भी लॉग इन करना चाहते हैं डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की, तो आप साइन इन पर क्लिक करेंगे और वो आपको साइन इन ऑप्शन आपसे मांगेगा। तो आपने इस साइन इन की जगह पे जो है वो अपना यूजर आईडी जो है वो पेस्ट करना है। ये आपने अपना यूजर आईडी लगा दिया जो आपको प्रोवाइड किया गया कॉलेज की तरफ से, और आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। देन आपसे पासवर्ड डिमांड किया जाएगा, ये आपने पासवर्ड भी लगा दिया और देन आपने साइन इन पर क्लिक कर देना। पहली बार जब आप लॉग इन करेंगे तो आपसे वो पासवर्ड चेंज करने का कहेगा। सबसे पहले तो आप अपना करंट पासवर्ड लगाएंगे, देन आप अपना पासवर्ड न्यू क्रिएट करेंगे, जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। अपना वो पासवर्ड चूज कीजिएगा जो पासवर्ड आपको हमेशा याद रहे और आप कभी भूले ना। तो आप दो बार अपना नया पासवर्ड लिखेंगे और देन साइन इन पर क्लिक कर देंगे। देन आप उस पासवर्ड जो आपके पास जो है वो होने के बाद आपसे वो मांगेगा कि आप जो है अपने आप को इसको प्रोटेक्ट करें अकाउंट को। इसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस शो होंगे। सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन शो हो रहा होगा वो ये होगा कि आप इस सिक्योरिटी चेक को 14 डेज के लिए डिले कर दें। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो 14 डेज के लिए आप स्किप कर देंगे और आप अपनी क्लासरूम में एंटर हो जाएंगे, या फिर आप इसको नेक्स्ट पर क्लिक करके आप अपने आप को सिक्योर एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देन आपके बाद ये स्क्रीन आएगी आपको, जो कि आपसे ये डिमांड करेगी कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करें। ये आपके कंप्यूटर को आपके मोबाइल से कनेक्ट कर देगी। तो आपने सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी है, और वो डाउनलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और अब वो आपसे कहेगा कि आप अपना अकाउंट जो है वो सेटअप करें, तो उसके लिए आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और आपके पास इस तरह से ये स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी। अपने सेल फोन से आप मोबाइल ऑथेंटिकेटर का ऐप ऑन करने के बाद इसको स्कैन कर लेंगे, और जब आप स्कैन कर चुके होंगे, अगर आप उसको अपने मोबाइल ऑथेंटिकेटर से जब स्कैन कर चुकेंगे, तो आपके मोबाइल पर सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा और आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद वो आपसे अकाउंट के अप्रूव या डिनाई का ऑप्शन मांगेगा। आपके मोबाइल पर यह पॉपअप आएगा मैसेज, आपने अप्रूव पर क्लिक करना है और इधर से आपका खुद ब खुद जो है वो कनेक्ट हो चुका होगा।
जब आप साइन इन कर चुके होंगे तो आपको स्टे साइंड इन के लिए वो ये पॉपअप स्क्रीन देगा, आपने डोंट शो इट अगेन के बाद यस पर क्लिक कर देना है। और इस तरह हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है वो खुल चुका है। आप पहले वाले जो चीज़ें उनको बेशक बंद कर दें, अगर आप टूर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं सारा कुछ, तो आप देख भी सकते हैं। तो ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपके ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। आपने जब क्लास लेनी है तो आपको ये सारी टैब्स नज़र आ रहे हैं, मैंने अपने टीम्स के टैब पर जाना है और टीम के टैब्स में आपको आपकी अपनी क्लास शो हो रही होगी। तो ये स्टूडेंट जो है वो आप अपने सेक्शन आपको शो हो रहा है, जैसे आप टीम में एंटर हुए आपको अपना सेक्शन शो हो गया। ये मैंने एक डमी अकाउंट क्रिएट किया और MF3 का सेक्शन जो है वो दिखाया है कि ये स्टूडेंट MF3 का स्टूडेंट है। तो इस स्टूडेंट को एक टाइम टेबल उसको शेयर कर दिया जाएगा, उस टाइम टेबल के मुताबिक मींस इफ वी सपोज के उसके लेक्चर सुबह 8:30 पे स्टार्ट होते हैं तो वह 8:30 पे अपनी लॉग इन करेगा उससे पहले 8:30 से, और अपने सेक्शन में जाएगा और उस सेक्शन में उसको अपनी क्लासेस शो हो रही हैं, जैसे ये इंग्लिश, उर्दू और बाकी उसको क्लासेस यहाँ शो होंगी। वो इनको क्लिक करके विजिबल करवा सकता है, वो सारी क्लासेस उसको शो हो जाएंगी जी। तो इस तरह स्टूडेंट को उसकी अपनी सारी क्लासेस यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगी। इंग्लिश आ गई, फिजिक्स आ गई, उर्दू आ गई, तो बाकी ये केमिस्ट्री वगैरह की क्लासेस जब वो क्लिक करेगा तो थोड़ी देर में उसको शो हो जाएंगी। तो इस तरह स्टूडेंट को अपनी सारी क्लासेस शो होंगी। फर्ज करो स्टूडेंट का पहला लेक्चर इंग्लिश का है, तो वो स्टूडेंट अपनी इंग्लिश के चैनल पर, ये उसका सेक्शन है MF3, मैं दोबारा आता हूँ वापस। जब स्टूडेंट अपनी टीम्स में लॉग इन हो जाएगा, वो बेशक ब्राउजर के थ्रू हो या वो ऐप के थ्रू हो या मोबाइल ऐप के थ्रू हो, तो वो सेक्शन पर जाकर क्लिक करेगा और जिस सब्जेक्ट का लेक्चर है, मींस उसका केमिस्ट्री का लेक्चर है, इंग्लिश का लेक्चर है, फर्ज करो उसका पहला लेक्चर इंग्लिश का है, तो सबसे पहले वो इंग्लिश के लेक्चर में जाएगा। तो यहाँ उसको ऑनलाइन इंग्लिश लेक्चर लिखा नजर आएगा, जिस पर वो क्लिक करके उस क्लास की मीटिंग में एंटर हो जाएगा। और जब मीटिंग स्केजुअल होगी, जिस वक्त मीटिंग ने स्टार्ट होना होगा, उस वक्त यहाँ आप स्टूडेंट को एक ज्वाइन का लिंक शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज्वाइन का लिंक यहाँ शो ना भी हो, अगर आपकी वो लेक्चर का टाइम हो गया है एज पर दैट, तो आप इस 3 डॉट्स पर भी क्लिक करके अपने आप को लेक्चर में ज्वाइन करवा सकते हैं। आपने क्लिक किया, यहाँ ज्वाइन का लिंक आया, आपने ज्वाइन पर क्लिक किया, तो ये आपको अब पूछेगा कि आप कैमरा स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कैमरा ऑफ कर दें, आप ऑडियो ऑन के साथ जाना चाहते हैं, दैट इज मच एडवाइस कि आप ऑडियो भी ऑफ करें और ज्वाइन नो पर क्लिक करके आप उस क्लास की मीटिंग में एंटर हो चुके होंगे। अब टीचर आपको यहाँ आपका प्योर लेक्चर देगा, इस जगह पर आपका माइक्रोफोन म्यूट है, आपका कैमरा भी ऑफ है और आपके पास जो है यहाँ से आप अपने टीचर को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप उनको अस्सलाम वालेकुम बोल सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं टीचर को क्वेश्चन पूछने के लिए कि ताकि टीचर आपका क्वेश्चन दे दे। यहीं इस स्क्रीन के ऊपर टीचर आपके अपनी स्क्रीन शेयर करेगा, अपनी बुक शेयर करेगा, अपना वाइट बोर्ड शेयर करेगा, एवरीथिंग आपको यहीं होगी। आपके पास एक अच्छा जो है हेडफोन या हैंड्स फ्री, जो भी आप अपने डिवाइस के साथ, मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहें, ताकि कहीं भी आपको क्वेश्चन भी पूछना पड़ेगा और टीचर की आपको चूंकि पूरा लेक्चर सुनना भी है, तो आपके पास एक अच्छा जो है वो ऑडियो लिसनिंग के लिए भी कोई ना कोई हैंड्स फ्री या कोई ना कोई हेडफोन होना चाहिए। देन उस मीटिंग की अटेंडेंस वो टीचर डाउनलोड कर पाएगा, लेकिन वो टीचर के एंड पर है वो उसकी अटेंडेंस डाउनलोड करता है, एनीथिंग लाइक दैट। तो आपके पास ये आप देख सकते हैं कि उस क्लास में कौन कौन सा टीचर या कौन कौन से लोग मौजूद हैं। ये हैंड रेस के ऑप्शन से आपको पता लग जाएगा टीचर को कि स्टूडेंट ने हैंड रेस कर रखा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने वो फीचर्स थे सारे, वो सारे मामला थे जिनको आप यहाँ डील कर सकते हैं। देन मैं दूसरे नंबर पर इस मीटिंग को एंड करता हूँ, ऑल द मीटिंग टीचर ही एंड करेगा। आप अपनी क्लासरूम में जब जाएंगे दोबारा, मैं दोबारा उस क्लासरूम में आ रहा हूँ, MF3 में दोबारा एंटर होता हूँ, तो आप फ़र्ज़ करो कि आपका उर्दू का लेक्चर है, तो आप उर्दू के लेक्चर में जाएंगे, उस टीम उस ये जो आपका ऑनलाइन क्लास लेक्चर है इस पर आप क्लिक करके, मैंने बोला यानी इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ज्वाइन का लिंक आ जाएगा, यहाँ आप लिंक ज्वाइन कर पाएंगे, और अगर वो टाइम हो चुका है तो यहीं आपको इसी की जगह पर ज्वाइन का लिंक आ जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने अपने नोट्स वगैरह कहाँ से लेने, साथ आपको ये फाइल्स का लिंक आ रहा है,
आप इस फाइल्स के लिंक पर क्लिक करके अपने नोट्स जो आपके होंगे, जो आपको टीचर ने अपलोड किए होंगे, वो इस जगह पर मौजूद होंगे। यू कैन सी कि यहाँ आपको अपने नोट्स नज़र आएंगे, जैसे ये केमिस्ट्री का एक टेस्ट अपलोडेड है यहाँ। इसी तरह टीचर अपनी बुक, अपने जो भी नोट्स हैं वो आपको यहाँ शेयर कर पाएगा, और यहाँ से आप इवन इन पर क्लिक करके उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आप उनको जब मर्जी अपनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस में ओपन कर सकें। तो स्टूडेंट, देयर वॉज द ईजिएस्ट प्रोसेस हाउ टू टेक द क्लासेस। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। मैं आपको कहा था कि आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट टीम का ऐप जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। और इसी तरह मोबाइल में भी प्ले स्टोर से आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का ऐप डाउनलोड करेंगे। आप सिंपल लिखेंगे प्ले स्टोर में भी जाके अपने मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो आपको ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और उसमें भी आपने साइन इन इसी तरीके से होना है जिस तरीके से आप यहाँ साइन इन हुए हैं। जब आप ऐप अपना खोल चुके होंगे, जैसे ये आपके सामने खुल चुका है ऐप अपना, ये लैपटॉप पर भी ऐप ऐसे ही है और आपकी मोबाइल डिवाइस पर भी ऐप आपका ऐसे ही ओपन होगा। तो आप इसके अंदर यूज़र आईडी लिखेंगे अपना, एग्जैक्टली जो भी यूज़र आईडी आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। जैसे मैं इधर एक यूज़र आईडी लिखने लगा हूं, तो आप यूज़र आईडी लिखकर साइन इन पर क्लिक करेंगे तो वो बकायदा उसको प्रोसेसिंग जो है वो शुरू कर देगा, और एग्जैक्टली ये वैसे पासवर्ड मांगेगा और वैसे लॉगिन होगा और वैसे आप क्लासेस ले रहे होंगे। इट मींस टू से दैट देयर इज नो डिफरेंस फ्रॉम स्टूडेंट एंड फॉर टेकिंग द क्लासेस आइदर ऑन लैपटॉप और ऑन द मोबाइल फोन डिवाइस। आइदर इट इज थ्रू ऐप ऑन योर मोबाइल फोन, लैपटॉप, और इट इज थ्रू गूगल क्रोम और एज और एनी अदर ब्राउजर। मीन्स आप किसी भी ब्राउजर से या ऐप से भी अपनी क्लास ले सकते हैं, लेकिन आपको ये लेनी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऐप पर या माइक्रोसॉफ्ट टीम की वेबसाइट पर ही है। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू आर वेलकम टू आस्क इट। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।